हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तीन अलग ग्लूटेन फ्री रोटी की रेसिपीज। ग्लूटेन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो वीट वगैरह में पाया जाता है, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। ग्लूटेन फ्री खाने के फायदे वैसे तो काफ़ी है, पर उसमें से मेन फायदा ये है कि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है। काफ़ी लोगों को होता है कि खाना खाते ही पेट भारी हो जाता है, काफ़ी लोगों को एक डिजीज़ है जिसका नाम है सिलियाक डिजीज़, वो होता है। तो वैसे में ऐसे ग्लूटेन फ्री आप डाइट करो तो बहुत हेल्प करता है। ग्लूटेन फ्री खाने के फायदे लाइक आई से कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को तो बहुत वो हेल्प करता है, आपका ब्लड शुगर लेवल भी वो रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल वो रेगुलेट करता है, और ऑफ कोर्स वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो शुरू करते हैं ये तीन अलग रोटी की रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे बेसन और चावल के आटे की रोटी। तो एक कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, उसमें हाफ कप मैं राइस फ्लावर ऐड करूँगी, थोड़ा सा नमक जाएगा, हींग थोड़ी हम ऐड करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास ड्राई कसूरी मेथी है, थोड़ी वो मैं ऐड कर दूंगी। उसके बाद एक टेबलस्पून जितना सा हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। सब कुछ ये पहले प्रॉपरली मिक्स करने के बाद मैं उसमें ऐड कर रही हूँ दो टेबलस्पून जितना सा योगर्ट। योगर्ट भी ऐड करने के बाद मिक्स हम करेंगे, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो पानी मैंने जो लिया है उसमें से स्मोक निकल रहा है, दैट मीन्स कि इट्स रियली हॉट। तो हमें इतना गर्म पानी चाहिए। जब भी आप ग्लूटेन फ्री रोटी बनाओ हमेशा ऐसे गर्म पानी का यूज़ करो, तो वो आपकी रोटी बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो ये जो आटा आप बनाओगे ना वो स्टिकी होगा, क्योंकि उसमें बेसन है। तो बेसन एक्चुअली प्रोटीन उसमें बहुत हाई होता है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, वो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो राइस फ्लावर है उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, प्लस वो लिवर की हेल्थ को भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। तो ये बहुत ही हेल्दी एक रोटी है हमारी। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो मैं बस ऐसे ही हाथ से उसको बेल रही हूँ, कोई आपको बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो ड्राई फ्लावर मैंने दिया है वो राइस फ्लावर है, तो बस बहुत ईजीली हो जाएगी। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तो जैसे रेगुलर चपाती हम बनाते हैं वैसे भी आप बना सकते हो, और काफ़ी बड़ी हुई है तो अच्छी तरीके से वो बन जाएगी। अगर थोड़ी सी ऐसी फट रही है ना तो भी आप उसको इजीली एडजस्ट कर सकते हो। और ये रोटी जैसे हम रेगुलर रोटियां बनाते हैं बस वैसी ही बनानी है। ये रोटी अगर आप चाय के साथ, अचार के साथ भी खाओ ना तो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसका ये जो दूसरा तरीका है, जैसे हम रेगुलर चपाती बनाते हैं वैसे भी मैं बना के आपको यहाँ पे बताती हूँ। इसमें बस एक ही ध्यान रखना है आपको कि बार बार उसको टर्न करना है ऐसे हाथ से, अदरवाइज वो नीचे से वो स्टिक हो जाएगा। ड्राई फ्लावर जितना भी आपको चाहिए उतना आप यूज़ कर सकते हो, पर बहुत ईजिली बन जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अगर आप आज बना लो कल भी खानी है ना तो भी वो इतनी सॉफ्ट रहेगी। बस एक ही ध्यान रखना है, जब भी ऐसी कोई भी ग्लूटेन फ्री या प्रोटीन बनाओ, जैसे पहले मैंने बताया कि पानी आपको गर्म यूज़ करना है, दैट्स अबाउट इट। बट डेफिनेटली गाइस ट्राई करना। अगर आपने पहले ऐसे ग्लूटेन फ्री रोटी नहीं खाई है ना तो शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड ग्लूटेन फ्री खाना खा रहे हैं, उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। पर बस ऐसे ही एक बार वो एक आर्टिकल पढ़ रहे थे और देन ही डिसाइडेड दैट ही वांट्स टू गो ग्लूटेन फ्री। तो उनका जब ग्लूटेन फ्री खाना बनता है साथ में मैं भी वो ही खा लेती हूँ, तो बच्चों के लिए ही रेगुलर चपाती वगैरह बनती है, पर हमारे लिए हम यही बनाते हैं। तो शुरू में आपको अजीब लगेगा क्योंकि इतने सालों से हम यूज टू हुए होते हैं रेगुलर चपाती खाने के लिए, तो शुरू में थोड़ा अलग लगेगा, पर उसके जो हेल्थ बेनिफिट है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो रेसिपी तीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डेफिनेटली आप ट्राई करना। तो बस रेगुलर जैसे हम चपाती बनाते हैं वैसे ही उसको बनानी है। अगर वो फूले ना ना तो डोंट वरी अबाउट इट, उसको अच्छी तरीके से हमको शेकना है, दैट्स अबाउट इट। और उसके ऊपर थोड़ा सा आप घी लगा लो, और किसी भी सब्जी के साथ आप उसको सर्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बनाए हैं चने, तो उसके साथ मैं ये रोटी सर्व कर रही हूँ। नेक्स्ट हम बनाएंगे ज्वार की रोटी। ज्वार को सरगम फ्लावर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ कप जितना सा ज्वार का आटा, उसमें थोड़ा सा मैं उसमें नमक ऐड कर दूंगी।
ज्वार के भी काफी सारे बेनिफिट्स है। मेन तो उसका बेनिफिट ये है कि अगर किसी को डायबिटीज है ना, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ऑफ कोर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो मेंटेन करता है, वो वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। और यहाँ पे जो पानी मैं यूज कर रही हूँ काफी थोड़ा गर्म हो गया था, तो इसलिए मैं स्पून से पहले सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी, उसके बाद मैं उसका आटा बनाऊंगी। तो ये आटे को एक्चुअली आप जितना मसलोगे ना, उतनी आपकी रोटियां सॉफ्ट बनेगी। तो एक आध मिनट तक आप कर लो, जितना आप लाइक ऐसे कि ऐसे आप उसको मसलोगे, उतनी आपकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये जिपलॉक बैग। तो अगर आप बिगेनर्स हो ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये रोटी पहले ऐसे बनाओ, क्योंकि ग्लूटेन फ्री जो आटा होता है ना, वो जल्दी फट जाता है। उसकी रोटियां जब भी हम उसको गलते हैं ना, चांसेस आर कि वो बहुत जल्दी फट जाती है। तो इससे अच्छा कि ऐसे जिपलॉक बैग आप यूज कर लो, उसको तीन साइड से प्रॉपरली ओपन करके उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी दोनों साइड, और उसके बाद हम इसको बेलेंगे। उसके बाद भी आप देखोगे कि मैं जब बेल रही हूँ तो वो साइड में से फटेगा। ग्लूटेन फ्री जो आटा है उसकी बस यही एक है कि वो फटता बहुत है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप इजीली उसको हाथ से फिक्स कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको ड्राई फ्लावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी हमने दोनों साइड थोड़ा सा ऑयल लगाया हुआ है। तो पहले हाथ से आप थोड़ा उसको स्प्रेड कर दो, उसके बाद बेलन की हेल्प से आप उसको बना सकते हो। तो बस एक ही ध्यान रखना है कि उसको ऐसे बार बार टर्न करना रहता है, ताकि अच्छी तरीके से आप उसको बना सको। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसकी जो एज है वो ऐसे ही फटेगी, तो लाइक आई से नो वरीज, यू नो एंड में हम उसको फिक्स कर सकते हैं। अगर ना भी करो ना, तो ये एक एक्चुअली उसका एक यूनिक टेक्सचर ऐसा रहता है कि देखने में तो ऑब्वियसली अच्छा लगता ही है, पर अगर आपको परफेक्ट चाहिए ना, तो एंड में जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, वैसे आप थोड़ी सी उसकी एजेस जो है वो फिक्स कर सकते हो। सो ये जो रोटियाँ है ना, ये थोड़ी हार्ड बनेगी। जैसे हमने बेसन की रोटी बनाई वो सॉफ्ट रहेगी, वो रोटी बेसन की अगर आप आज बना के कल खाओ तो वो सॉफ्ट रहेगी, पर ये वाली हार्ड होती है थोड़ी सी। तो ये यूजुअली मैं अगर नाश्ते में बनानी है लाइक चाय के साथ तो मैं बनाती हूँ, अदरवाइज मैं डिनर में बनाती हूँ, क्योंकि आप बना के उसी टाइम पे आप खा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और ये जो जितनी भी ग्लूटेन फ्री रोटियां बनाओ ना, तो उसका आटा तभी बनाओ जब आपको रोटियां बनानी है। अदरवाइज रेगुलर चपाती का आटा तो हम कभी करते हैं ना कि कल बनाया है तो आज यूज़ कर लेते हैं, वैसे ये आटे में नहीं होता है। ये आटा तो जब भी आपको रोटियां बनानी है तभी उसका आटा बनता है, अदरवाइज वो सॉफ्ट नहीं बनेगी और बिल्कुल टेस्ट भी पता नहीं क्यों उसका थोड़ा अलग सा ही आता है। तो हमेशा उसका आटा तभी बनाओ जब आपको बनानी है रोटी। और यहाँ पे ये ज्वार की भाखरी और रोटियाँ तैयार है, उसको मैं अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। सो लास्ट में हम बनाते हैं यहाँ पे रागी राजग्रोह और बाजरे की भाखरी। तो यहाँ पे मेरे पास है राजग्रोह फ्लावर, जिसको अमरनाथ फ्लावर भी बोलते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पे है रागी फ्लावर और बाजरी फ्लावर। तीनों को मैंने सेम क्वांटिटी में यहाँ पे लिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगी सॉल्ट, और ग्रीन चिलीज है मेरे पास थोड़ी सी, वो मैं ऐड करूंगी, थोड़ी सी हींग जाएगी, और हाफ अ टेबल स्पून जितना सा उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। सब कुछ मिक्स अच्छी तरीके से पहले हम इसको कर लेंगे, और उसके बाद अगेन गर्म पानी से हम इसका आटा बनाएंगे। तो ये जो राजग्रह का फ्लावर है ना, वो बेसिकली बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, वो बोन के लिए भी अच्छा है, तो हड्डियों को मजबूत करता है, हार्ट के लिए अच्छा है, और ऑफ कोर्स डाइजेशन को भी वो ठीक करता है। जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस जैसी बीमारियाँ होती है, और काफ़ी सारी बीमारियाँ इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, तो उसमें ये राजग्रह का फ्लावर हेल्प करता है। रागी फ्लावर मेनली कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, जैसे कि एचडीएल का लेवल वो बढ़ाता है, जो अच्छा सा कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल वो बढ़ाता है, और जो एलडीएल जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल वो कम करता है। और जो बाजरा है उसमें मैग्नीशियम काफ़ी होता है, उसमें हीट भी होती है, हम हमेशा उसको विंटर में खाना पसंद करते हैं, तो वो ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये तीनों जो फ्लावर है उसका कॉम्बिनेशन करके ऐसी रोटी आप बनाओगे तो डेफिनेटली उसके हेल्थ बेनिफिट काफ़ी है,
और ये रोटी भी मैं ऐसे ही ये जिप्लॉक बैग में बना रही हूँ, स्पेशली लाइक ऐसे कि अगर आप बिगिनर्स हो ना तो बस ऐसे ही बनाना, क्योंकि शुरू में अगर आप सीधे बनाओगे तो फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी, क्योंकि मुझे भी हुई थी जब अच्छी तरीके से रोटियां बेलती नहीं है, वो फट जाती है, तो ऑफ कोर्स वो होता है, पर ऐसे जिप्लॉक में आप बनाओगे तो वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं रहेगी और बहुत इजीली आपकी ये रोटी और बाकी जो भी आपको भुनना है वो वो बन जाएगी। तो कोई कोई ये जो भाखरी है वो अच्छी तरीके से फूल जाएगी, जैसे ये वाली मेरी फूल रही है अभी। अगर ना फूलेना तो भी जस्ट नो वरीज, बस इसको मेक श्योर करना कि अच्छी तरीके से वो पक गई है। पर डेफिनेटली गाइस, ये तीनों रेसिपीज है, आप ट्राई करना। एक बार आप 1 वीक के लिए ग्लूटेन फ्री खाना खा के ट्राई करना, आपको बहुत फर्क नजर आएगा। तो ऊपर से थोड़ा सा मैं घी लगा दूंगी और उसको अचार और मलाई के साथ मैं उसको सर्व कर रही हूँ। अगर आपके पास घर की मलाई है तो दैट्स गुड। यहाँ पे मैं ये जो गोभी मलाई आती है उसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ। सो दैट्स इट गाइस, ये थी हमारी तीनों अलग ग्लूटेन फ्री रोटी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।